हेलो फ्रेंड, आज का हमारा टॉपिक है फ्रेंड क्लास इन C++। इससे पहले वाले वीडियो में हमने फ्रेंड फंक्शन के बारे में पढ़ा था। फ्रेंड फंक्शन क्या होता है? एक्चुअल में जो हमारे क्लास के मेंबर फंक्शन हैं, कोई भी क्लास है, ठीक है, उसमें मेंबर डेटा भी होते हैं, मेंबर फंक्शन भी होते हैं। तो जो आपका प्राइवेट डेटा मेंबर्स है, ठीक है, उसको कोई बाहरी फंक्शन एक्सेस नहीं कर सकता, ठीक है। अब कोई बाहरी फंक्शन उसको एक्सेस करना चाहता है तो उसके लिए उस बाहरी फंक्शन को हम उस क्लास के अंदर एज अ फ्रेंड डिक्लेयर करना पड़ेगा, ठीक है। इसके लिए हम फ्रेंड कीवर्ड यूज किए थे, ठीक है। उसी प्रकार फ्रेंड फंक्शन में फ्रेंड क्लास में क्या होता है, फ्रेंड क्लास में जो क्लास किसी दूसरे क्लास के डेटा मेंबर्स को या फिर उसके मेंबर फंक्शन को एक्सेस करना चाहता है तो उस बाहरी क्लास को हम उस क्लास के अंदर में एज अ फ्रेंड फ्रेंड ग्रुप में डिक्लेयर करते हैं, ठीक है। उसी को हम फ्रेंड क्लास कहते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए, जैसे मान लो यहां पे कोई क्लास है, ठीक है, ए बी सी करके, ठीक है। इसमें कुछ डेटा मेंबर है, कुछ फंक्शन भी है, ठीक है। उसके बाद कोई दूसरा क्लास है आपका एक्स वाई जेड करके, ठीक है। तो यहाँ पे क्लास ए बी सी के जो मेंबर्स हैं, ठीक है, उसको क्लास एक्स वाई जेड एक्सेस नहीं कर सकता डायरेक्टली, ठीक है। इसके लिए हमको क्लास एक्स वाई जेड को क्लास ए बी सी का फ्रेंड डिक्लेयर करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, क्लास ए बी सी के अंदर में क्लास एक्स वाई जेड को फ्रेंड कीवर्ड की सहायता से फ्रेंड डिक्लेयर करते हैं, ठीक है। इससे क्या हो जाता है, इससे एक्स वाई जेड को यह अधिकार मिल जाता है कि क्लास एक्स ए बी सी के जो मेंबर्स है उसको एक्सेस कर सके, ठीक है। तो फ्रेंड क्लास का वही काम होता है, ठीक है, कि वो दूसरे क्लास के मेंबर फंक्शन को या फिर मेंबर डेटा को आसानी से एक्सेस कर सके, ठीक है। चलिए सिंटैक्स देखते हैं इसका। एक क्लास है ए बी सी, ठीक है, उसके बाद पब्लिक सेक्शन में कुछ मेंबर्स हैं, ठीक है। मेंबर्स बोले तो आपका मेंबर डेटा भी हो सकता है, मेंबर फंक्शन भी हो सकता है, ठीक है। उसके बाद यहां पे क्लास एबीसी के अंदर में जैसे मान लो कोई दूसरा क्लास है एक्स वाई जेड, क्लास एक्स वाई जेड, ठीक है। तो क्लास एक्स वाई जेड को फ्रेंड कीवर्ड की सहायता से क्लास एबीसी के अंदर में हम उसको डिक्लेयर करते हैं, ठीक है, जिससे क्लास एक्स वाई जेड को यह अधिकार मिल जाता है कि क्लास ए बी सी के जो मेंबर डेटा है या फिर मेंबर फंक्शन है उसको एक्सेस कर सके, ठीक है। चलिए एक प्रोग्राम के माध्यम से इसको समझते हैं। प्रोग्राम फॉर फ्रेंड क्लास, ठीक है, ऊपर में रहता है आपका हेडर फाइल, ठीक है, हैज इंक्लूड आईओ स्ट्रीम डॉट एच, उसके बाद सेकंड हेडर फाइल has include conio.h, उसके बाद क्लास, क्लास नेम होता है ना, क्लास नेम सपोज मैं यहाँ पे ले लेता हूँ ए बी सी, ठीक है। उसके बाद कुछ प्राइवेट मेंबर भी ले लेता हूँ मैं ए बी, ठीक है। उसके बाद पब्लिक मेंबर लेते हैं यहां पे वाइड गेट डेटा करके,
ठीक है, और इसको हम यहीं पे डिफाइन कर देते हैं, सी आउट इंटर टू नंबर्स, ठीक है, सी इन कीबोर्ड से दो नंबर लेने के लिए ए और बी, ठीक है। इसके बाद ये फंक्शन क्लोज, और यहां पे हम एक फ्रेंड क्लास यूज करेंगे, फ्रेंड क्लास एक्स वाई जेड, ठीक है, और ये आपका एबीसी क्लास यहाँ पे क्लोज, ठीक है। अब जो आपका दूसरा क्लास है एक्स वाई जेड, जिसको हम क्लास एबीसी के अंदर में फ्रेंड डिक्लेयर किए हैं, उसको भी डिफाइन करने की आवश्यकता है, तो चलिए उसको डिफाइन करते हैं। क्लास एक्स वाई जेड, ओपनिंग ब्रेस, उसके बाद हम यहाँ पे डायरेक्टली पब्लिक सेक्शन में एक वेरिएबल ले लेते हैं सी करके, ठीक है। उसके बाद एक मेंबर फंक्शन ले लेते हैं एड, ठीक है, और इस मेंबर फंक्शन में क्लास एबीसी को, ए बी सी को एज अ आर्गुमेंट वहां पे हम पास करते हैं, ठीक है। और यहां पे हम ले लेते हैं इसका वेरिएबल, मान लो ए ए वन, ठीक है, ओपनिंग ब्रेस, और यहां पे इधर लिखते हैं इसको, अब एड को हम डिफाइन कर रहे हैं, एड मेंबर फंक्शन को, तो सी ए वन डॉट ए प्लस ए वन डॉट बी, ठीक है। देखो अब यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे हम ए वन, ठीक है, ए वन डॉट, ठीक है, इसकी सहायता से क्लास ए बी सी के प्राइवेट मेंबर डेटा को एक्सेस कर रहे हैं, ठीक है। चलिए इसके बाद सी आउट, अब इसको हम प्रिंट करा देते हैं, ए प्लस बी प्रिंट होगा ऐसे करके, सी इन एल, ठीक है। उसके बाद ये आपका एड जो क्लास है ना, सॉरी फंक्शन है, वो क्लोज हो जाएगा, और आपका एक्स वाई जेड क्लास भी यहाँ पे क्लोज, ठीक है। अब जाएंगे हम मेन फंक्शन में, वाइड मेन, ठीक है, ओपनिंग ब्रेस, अब हम बनाएंगे यहाँ पे ऑब्जेक्ट, तो पहला वाला जो क्लास है वो क्या है, ए बी सी, उसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे ए बी सी, ठीक है। उसके बाद दूसरा वाला क्लास क्या है, एक्स वाई जेड, ठीक है, इसके लिए हम बनाते हैं एक्स वाई जेड, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट है ये दोनों। अब ए बी सी की सहायता से गेट डेटा मेंबर फंक्शन को कॉल करते हैं, कॉल कर लिए, उसके बाद एक्स वाई जेड जो एक्स वाई जेड का ऑब्जेक्ट है, ठीक है, उसकी सहायता से एड जो मेंबर फंक्शन है उसका, ठीक है, उसको हम कॉल करेंगे, और यहां पे ए बी सी ऑब्जेक्ट है जो कि पहला वाला क्लास का ऑब्जेक्ट है, उसको हम इसमें पास करेंगे पैरामीटर ग्रुप में, ठीक है। उसके बाद इधर आपका गेट सी एच, ठीक है, और आपका ये मेन क्लास मेन फंक्शन क्लोज, और आपका प्रोग्राम कंप्लीट, ठीक है। आउटपुट देख लेते हैं, आउटपुट में क्या मिलेगा, आउटपुट, ठीक है, आउटपुट में आएगा मैसेज यहां पे, इंटर टू नंबर्स करके, ठीक है, फिर आप यहां पे जैसे दे दिए 10, उसके बाद दे दिए 20, ठीक है, उसके बाद फिर
आएगा रिजल्ट में a प्लस बी इक्वल टू 30। ठीक है, तो इस तरीके से फ्रेंड क्लास काम करता है। ठीक है, मतलब यहाँ पे दो अलग अलग क्लास हैं। ठीक है, तो दो अलग अलग क्लास कहना चाहिए एक दूसरे के प्रॉपर्टी को एक्सेस नहीं कर सकते। ठीक है, एक्सेस तभी करेंगे अगर एक क्लास को दूसरे क्लास के अंदर फ्रेंड डिक्लेयर करते हैं तब। ठीक है, तो इस प्रोग्राम में वही देखे हैं, है ना, फ्रेंड कीवर्ड की सहायता से एक क्लास को फ्रेंड डिक्लेयर किए हैं दूसरे क्लास के अंदर में। ठीक है, फिर वो क्लास उस पहले वाले क्लास के प्रॉपर्टी को एक्सेस कर सकता है, उसके जो मेंबर डेटा है, प्राइवेट मेंबर डेटा है, उसको फिर कोई उसके फंक्शन है उसको एक्सेस कर सकता है। ठीक है, चलिए इसे कंप्यूटर में रन करा के देखते हैं। डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन में हम लिखते हैं प्रोग्राम फॉर फ्रेंड क्लास, उसके बाद हेडर फाइल हैज इंक्लूड आईओ स्ट्रीम डॉट एच, सेकंड हेडर फाइल हैज इंक्लूड कोनियो डॉट एच, उसके बाद क्लास, और यहाँ पे क्लास नेम में हम रखते हैं एबीसी। प्राइवेट सेक्शन में प्राइवेट डेटा मेंबर जो कि इंटीजर टाइप का है ए और बी लेते हैं, उसके बाद पब्लिक सेक्शन में मेंबर फंक्शन गेट डेटा, इसको यहीं पे डिफाइन कर देते हैं, सी आउट इंटर टू नंबर्स, ऐसा मैसेज हम यहाँ पे दे देते हैं। उसके बाद सी इन की सहायता से कीबोर्ड से दो नंबर लेने के लिए सी इन ए एंड बी, गेट डेटा कंप्लीट। उसके बाद यहाँ पे यूज करेंगे फ्रेंड क्लास, जैसे हम फ्रेंड फंक्शन में डिक्लेयर किए थे उसी प्रकार इसको भी हमको डिक्लेयर करना पड़ेगा पहले एबीसी क्लास के अंदर में। कमेंट में मैं लिख देता हूँ दिस इज फ्रेंड क्लास। उसके बाद जो फ्रेंड क्लास हम डिक्लेयर किए हैं उसको यहाँ पे डिफाइन करना पड़ेगा, क्लास एक्स वाई जेड, है ना, जो कि फ्रेंड क्लास है। उसके पब्लिक सेक्शन में हम एक वेरिएबल यूज करते हैं इंट सी करके, इंटीजर टाइप का है सी। उसके बाद एक मेंबर फंक्शन वाइड एड, और इस मेंबर फंक्शन में जो एबीसी क्लास है उसको पैरामीटर के रूप में यूज कर रहे हैं। उसके बाद अब ए वन की सहायता से, ए वन क्या है, क्लास एबीसी का एबीसी टाइप का उसको वेरिएबल मान सकते हैं, है ना, या फिर ऑब्जेक्ट भी मान सकते हैं क्योंकि पैरामीटर के रूप में पास किए हैं उसको। उसकी सहायता से ए और बी को हम क्या करेंगे, एक्सेस कर रहे हैं डाटा ऑपरेटर लगा करके, उसके बाद दोनों को ऐड कर रहे हैं ए और बी को, और सी में उसको असाइन कर रहे हैं उसकी वैल्यू को। उसके बाद इसको हम प्रिंट करेंगे सी आउट की सहायता से, सी आउट ए प्लस बी, और यहाँ पे ले देते हैं सी इन एल लाइन को इन करने के लिए। ये आपका फ्रेंड क्लास भी कंप्लीट। अब चलते हैं मेन फंक्शन की ओर, वाइड मेन
सी एल आर एस सी आर पिछला आउटपुट को स्क्रीन से क्लियर कराने के लिए। उसके बाद हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाएंगे ए बी सी, है ना, क्लास है और उसका ऑब्जेक्ट ए बी सी है ना लोअर केस लेटर में। उसके बाद सेकंड जो क्लास है एक्स वाई जेड, उसका भी ऑब्जेक्ट बनेगा, उसका भी बना देते हैं एक्स वाई जेड लोअर केस में। अब ए बी सी की सहायता से गेट डेटा जो मेंबर फंक्शन है उसको कॉल करते हैं, एक्सेस करते हैं, और एक्स वाई जेड जो ऑब्जेक्ट है उसकी सहायता से एड जो मेंबर फंक्शन है एक्स वाई जेड का उसको कॉल करते हैं, एक्सेस करते हैं, और ए बी सी को पैरामीटर के रूप में, ए बी सी आपका जो एक ए बी सी क्लास है उसका ऑब्जेक्ट है ना, उसको पास करते हैं। उसके बाद गेट सी एच और आपका प्रोग्राम कंप्लीट, कंपाइल करा लेते हैं। देखिए जीरो एरर, रन कराते हैं यहाँ पे। अब ये बोल रहा है इंटर टू नंबर, दो नंबर इनपुट कराते हैं 10 और दूसरा 20 और ए प्लस बी इक्वल टू 30। तो इस तरीके से फ्रेंड क्लास काम करता है। ओके, थैंक यू।